आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड बिकॉज मैं जा रही हूँ मेरे मम्मी के घर पे। जाने का तो सुबह 7 बजे रेडी, मैं तो जिंदगी में 7 बजे उठती नहीं बनती है। रिटर्न टिकट कब का करवाना है? भाई तुझे जाने तो दे, पहले उधर पहुँच तो जाने दे, उसके बाद रिटर्न टिकट की बात करना। मैं तसल्ली कर रहा हूँ अच्छे से रहे, 20 बजे मालूम पड़ा कल परसों वापस बोले रिटर्न टिकट कराना होगा। Guys, good morning and welcome back to our channel Kushal Ki Khushi once again. I am so happy and so excited because मैं जा रही हूँ मेरे मम्मी के घर पे और ये कुशल सड़ा हुआ मुँह सुबह सुबह। मेरा सड़ा हुआ नहीं है, मैं भी आ रहा हूँ और उसके बाद फिर तुम नहीं आओगी ना साथ में, उसके लिए शायद अभी तो मैं आ ही रहा हूँ। Kushal is also coming with me for 3 days, but इतना स्मार्ट लड़का है, मतलब इसको जहाँ पर जाना है ना अपना काम निकलवाना है, वहाँ पे भी आ रहा है मम्मी के, वहाँ पे भी उसका ऑफिस का काम है 2 दिन, तो वो विजिट वगैरह के लिए जाएगा क्लाइंट्स को मिलने के लिए। तो मतलब साथ में मतलब मेरे नाम पे, तो बताओ कि मेरे नाम पे क्या मजदूर आदमी, काम तो करना पड़ेगा ना। अगर बीवी को कुछ रखना है, घर गृहस्थी को ठीक रखना, तो काम तो करना पड़ेगा। अगर मैं 4 दिन में वेकेशन लूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। मैंने क्या सोचा, काम में 3-4 कस्टमर्स भी है पुणे में, तो 2-3 दिन विजिट भी हो जाएगी और शाम को चिल भी कर लूंगा। स्मार्ट है। और लोगों को लगेगा वाओ कितना अच्छा हस्बैंड है। अच्छा ये मैं कौन रहता है फिर भी इतना मेहनत करने के बाद भी कौन रहता है, मेरे को बताओ। हस्बैंड यार दी बेस्ट, यार दी बेस्ट, यार दी बेस्ट। तुम्हारा बताओ ना। क्या बताऊं मेरा, ये बंदी कभी नॉर्मली उठती नहीं है, इसको उठा रहा ना सुबह सुबह मतलब परेशानी होती है रोज, लेकिन आज देखो खुद उठ के मेरे को उठा रही है। मैं बोला अरे वाह चोर, देखो एक नंबर की। जाने का तो सुबह 7 बजे रेडी, मैं तो जिंदगी में 7 बजे उठती नहीं बंदी है, बताओ ना सच्चाई लोगों को। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। आज तो 6:30 बजे से नाच रही, चलो 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 चलो। मैं बोला अरे भाई अभी निकल जाए, ड्राइवर तो आने दे, गाड़ी तो आने दे, ऐसे निकल जाते। जय श्री कृष्णा। हाँ चल बाय। हफ्ते से कुछ है रोज मुझे एक ही चीज बोल रहा है, रिटर्न टिकट कब का करवाना है, रिटर्न टिकट कब का करवाना है। भाई तुझे जाने तो दे, पहले उधर पहुंच तो जाने दे, उसके बाद रिटर्न टिकट की बात करना। मैं तसल्ली कर रहा हूँ अच्छे से रहे, 20 बजे मालूम पड़ा कल परसों वापस बोले रिटर्न टिकट कराना होगा। जल्दी टू मिस मी अ लॉट है ना। लड़की ने बिल्कुल चैन नहीं है, एक सेकंड चैन नहीं है नहीं। पागल लड़की। लूना इज अ गुड गर्ल, लूना बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है ना लूना। हाँ अब मम्मी बहुत है यू इज वैन यार। अरे और तो छोड़, अन्नू तो कुछ नहीं, अन्नू सर तो पूरी बैंड बजाएगी बैंड। मम्मी क्या कंप्लेन कर रही है तेरी, एक भी डोरमैट नहीं रखती तू, तुझे खाना नहीं मिलता। हाँ डोरमैट क्यों खाती है, खाना नहीं मिलता तुझे। क्या किया था लास्ट टाइम, याद है कि नहीं, भूल गई। मैं फोन पे चार दस चढ़ के गई तो नाखून मारा होगा, तो ऐसा हुआ स्क्रैच स्क्रैच कर 4-10 स्क्रैच आ गया।
स्क्रीन ही टूट गई बाद में, इतना एक दिन तक मैं धूप में था और मैं नेक्स्ट डे मैंने निकला तो मालूम पड़ा कि नेक्स्ट डे भी नहीं, तीन चार दिन ऐसे ही रहा है नहीं। और मैंने उसको खुशर को पूछा भी कि बंटू तुम्हारा स्क्रैच गार्ड तो नहीं है ना पक्का, तो बता नहीं खुशी स्क्रैच गार्ड नहीं है, मेरा स्क्रीन ही है। चल ठीक है, मैंने भी चेक नहीं करा, बोलू भाई अभी इतना बोल रहा है खुद का फोन है तो मैं क्यों डाउट करूंगी, नहीं यही था नहीं। उसके बाद तीन चार दिन के बाद मैं देख रही हूँ खुशर आई बंटू स्क्रैच गार्ड लग रहा है मुझे, और मैंने थोड़ा निकाला और तो पट 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 करके पूरा निकला। मतलब बंदे को ये भी नहीं पता कि स्क्रैच गार्ड पर ये आया या स्क्रीन पर। बेचारी लूना तुझे बदनाम किया, गजब बेइज्जती है। कुशल की फरमाइश पर, बहुत ही अजीब फरमाइश है, लोगों की क्या क्या होती है, और कुशल ने डिमांड किया है मम्मी से कि आलू की सब्जी विद खिचड़ी पापड़ एंड छाछ, बेस्ट कॉम्बिनेशन, मेरे को जेन्युइनली ये बहुत पसंद है। एक बार मम्मी के हाथ का ये खाया था और तब से इसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो ये वाज लाइक खुशी पहले दिन पर मैं ये खाऊंगा और बाकी आगे का मेन्यू मैं बताता हूँ धीरे धीरे। बाय बंटू, कम ऑन सून, आई मिस यू, बाय। लूना बारे आ जा, बारे आप। ये इसकी फेवरेट प्लेस है, ये दो सोफे देख रहे हैं आपको, ये और ये, इसके बीच में इतनी सी खाली जगह है, इसके बीच में जाकर ये सोफे के अंदर घुसेगी। अब कैसे जाएगी तू बता, अब कैसे जाएगी? चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। हाय गाइस, सो आई एम ऑल सेट and ready to celebrate Rakhi. हम लोग कब के आ गए थे, but as usual बातों के चक्करों में हम लोग भूल गए कि मुझे राखी बांधनी बाकी है खुशहाल को अब तक, तो बस उसके लिए फटाफट रेडी हो गए। भैया मेरे राखी के बांधने की भैया मेरे प्यारी बहन को ना भूलाना, भैया मेरे तू भी गा गए, कौन सा गाना है, एक हजारों में तू भी गा सकता है, मेरी बहन है गाना, सारी उम्र हमें संग रहना है। मम्मी क्या बैकग्राउंड में गा रही है, वेरी नाइस। जहाँ इज्जत नहीं होती ना वहाँ नहीं जाना चाहिए। खुशाल तेरे तो मोचे मोचे मजे 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 हो गए तेरे तो। ये सब तेरे जीजू ने चूज किया है, और इसमें ब्रेसलेट है, जिसने जिसने हमारी इंस्टाग्राम पे रील देखी होगी या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखा होगा उसको पता होगा कि इसमें क्या है। इट्स अ वेरी नाइस ब्रेसलेट, ये है जयपुर से, हाँ राजस्थानी फेमस मिठाई घेवर बोलते हैं इसको। खोलो अनिल, खोल ना। लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। मम्मी पूरे टाइम लूना को चिल्लाती रहती है, क्या चिल्ला रहे आपको, मम्मी क्यों चिल्लाती है तुझे इतना, कहा भी आ जा, आ जा बच्चा आ जा, क्यों चिल्ला रहे थे मम्मी पूरा टाइम। गट्स देखो इसके, गट्स देखो, मम्मी ने इसको दो मिनट पहले इसके लिए चिल्लाया है और ये फिर से मुंह में डाल रही है। मत, नो लूना, मार दे साले का, खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले। क्या कर रही है मम्मी? पीछ के लिए। सो गाइस बेसिकली ये मम्मी गेहूं साफ कर रही है तीज के लिए।
सत्तू के लड्डू बनाने के लिए मम्मी गेहूँ साफ कर रही है, फिर उसको पीसेगी, पहले सेकेंगे फिर पीसेंगे और फिर उसका लड्डू बनेगा। वैसे सत्तू का लड्डू मुझे बहुत पसंद है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। बंटू तुम्हें मिस कर रही थी लूना, लैपटॉप है ना अंदर, खेल रही है तो क्या करूं। डे बंटू सीधा सुबह गए थे, अभी आयो, कैडबरी बहुत ज्यादा लेट कर दिया तुमने। देखी मैंने कैडबरी बबली है ना, वो और टेम्पटेशन कैसे बनती है, इतना ज्यादा चॉकलेट की स्मेल होती है, अपन बैठ भी नहीं सकते 10 मिनट। रियली पूरा मतलब पूरी ये इंदौरी में अपने चाकन से। अच्छा हाँ हाँ, उधर साईं बाबा का मंदिर बहुत फेमस है। 40 मिनट दूर है, 50 मिनट दूर है, इंदौरी में। बस अभी प्लान ये है कि अभी पापा का वेट कर रहे हैं, पापा आएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे खाने के लिए। 2 3 तुम लूना को पागल समझते हो क्या? मेरी बहन है वो, मेरी अकलमंद है, सारा क्रेडिट ले ले। बहुत बढ़िया। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं डिनर के लिए। पापा ने मंगाया है लिट्टी चोखा और कुशल ने मंगाया थाली, एंड गाइस मैंने मंगाया है नूडल्स, बिकॉज मुझे ना ये खाना था ना ये खाना था। सो या फाइनली आज का दिन हमारा ख़त्म होता है, एंड इट वाज अ ग्रेट डे, बहुत मज़ा आया, राखी भी सेलिब्रेट की हमने, और हमने भी नहीं, मैं तो कॉफी से था, कुशल ने नहीं, मैंने। आज का ब्लॉग इधर ख़त्म करते हैं इस नोट पर। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग।